ठीक है, वी विल बी स्टार्टिंग विथ 2019 अप्रैल, पेपर पेपर बी। ओके चलो, फर्स्ट क्वेश्चन से रीड करना स्टार्ट करो। आई थिंक देर आर टू क्वेश्चंस की थ्री ओके, थ्री क्वेश्चंस है। थर्ड क्वेश्चन 50 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन 30 एंड फर्स्ट क्वेश्चन फिर 20 मार्क्स का है। ठीक है, अब पूरा एग्जाम में आप लोगों को कैसे अप्रोच करना है, आप लोग क्विकली एट अ ग्लांस आप लोग देखोगे कि कौन सा क्वेश्चन किसके ऊपर है। पहला देख के समझ में आ रहा है कि इट्स ऑन, व्हेन यू रीड द क्वेश्चन इट्स ऑन मार्कोव। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, देख के समझ, थोड़ा ट्राई करेंगे समझने का। ये हो सकता है CT 6 वाला जो पार्ट है अपना, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन एंड री इंश्योरेंस लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, उससे रिलेटेड हो सकता है, बिकॉज आई सी दीज एक्सपेक्टेड वाला कैलकुलेशन एंड लॉग नॉर्मल, ये सारी चीजें हैं। एंड देन परेटो आ गया, तो ये अपना उससे हो गया। और फिर थर्ड वाला पार्ट इज अपना टाइम सीरीज, PACF AACF दिख रहा है, तो ये टाइम सीरीज है। अब एक फर्स्ट थिंग होता है कि मेरा इस टॉपिक पे ज्यादा होल्ड है, तो हम लोग उससे करेंगे। दूसरा होता है कि मेरा सारा टॉपिक सेम है, तो किससे स्टार्ट करेंगे, आप क्वेश्चन वन से स्टार्ट करो या क्वेश्चन थ्री से, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। तीसरा एक होते हैं स्टूडेंट जो सारा पूरा पेपर पहले तो गो थ्रू कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं एंड देन मूव अहेड करते हैं विद द पेपर। नाउ अगर आप पूरा पेपर रीड करते हो, आपका अप्रोक्सीमेटली उसमें कितना 5 मिनट्स तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा, मिनिमम, बिकॉज अगर आप देखो तो आपके 5-4 पेजेस का तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, तो आपका मिनिमम 5 मिनट्स चला जाएगा टू रीड द क्वेश्चन, विच इज आई थिंक गुड एज वेल। ठीक है, दूसरा फोर्थ थिंग व्हाट आई डू, मतलब जो सेकंड थिंग है बेसिकली दैट आई डू इज आई स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वन और आई स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन थ्री। कुछ लोगों का होता है कि सबसे बड़े मार्क क्वेश्चन से जाएंगे एंड ऊपर जाएंगे एंड ऊपर से नीचे जाएंगे, जो भी आपका मेथड है। तो ये तीन में से एनी वन अप्रोच यू फॉलो, बट यू फॉलो द सेम अप्रोच थ्रू आउट। अब एग्जाम में जाके अपना अप्रोच चेंज प्लीज मत करना, उस समय जाके सोचोगे कि चलो ये नया अप्रोच ट्राई करते हैं, एग्जाम इज नॉट योर ट्रायल मेथड एन एरर वाला केस। तो यहाँ सिंस दिस इज द फर्स्ट पेपर बी दैट वी आर स्टार्टिंग टू सॉल्व, आप लोग को जो अप्रोच कन्वीनियंट लगता है आप लोग वो डिसाइड करो एंड उससे आप लोग स्टार्ट करो। मुझे लगता है कि मुझे सारे टॉपिक सेम लगते हैं हमेशा से, व्हाट आई डिड वाज आई ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट। कुछ नहीं समझ में, स्किप, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। अनदर थिंग, आई हैव सीन देयर आर 3 क्वेश्चंस। ठीक है, सो व्हाट आई डू इन माय आर, आई विल क्रिएट 3 स्क्रिप्ट्स। ठीक है, हर एक स्क्रिप्ट विल बी फॉर 1 पेपर। ठीक है, 1 क्वेश्चन। अब क्यों ये वाला चीज, क्योंकि आपको ये पेस्ट करना है वर्ड में। अब दिक्कत क्या होगा कि आपके बीच में एरर्स आते हैं जब आप रन करते हो, वार्निंग्स आ जाते हैं, तो वो आपको नहीं पेस्ट करना। तो आप एक बार पूरा एक क्वेश्चन कर लोगे, जब आप पूरे से सेटिस्फाइड हो, कंसोल क्लियर करना है एंड देन दोबारा रन करना है एंड पूरा कंसोल कॉपी पेस्ट कर देना। हम लोग अभी सीखेंगे ये चीज भी। ठीक है, एंड इसके एक और बेनिफिट है कि अगर आप कहीं बीच में स्टक हो गए इन वन ऑफ द क्वेश्चन, यू कैन लीव इट देयर एंड यू कैन मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, एंड वापस यू कैन रिविजिट टू द फर्स्ट क्वेश्चन। इससे आपको ढूंढने में टाइम नहीं जाएगा बहुत। अगर आप लोग एक ही स्क्रिप्ट में तीनों क्वेश्चंस कर रहे हो एंड सपोज आप थर्ड क्वेश्चन आपका खत्म, आपको फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करना था, तो आप ढूंढोगे उसमें, आपका 4-5 मिनट, 3-4 मिनट उधर वेस्ट, वो आपका टाइम इधर सेव होगा इफ यू हैव क्रिएटेड 3 डिफरेंट स्क्रिप्ट फॉर योर सेल्फ। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट अप्रोच विच आई लाइक फॉलोइंग। जो हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं एंड मार्को वी हैव जस्ट फिनिश्ड, सो इसका मेमोरी भी फ्रेश है अभी। Data is available for the movement of taxis in London. The city is divided into 3 zones, north, south and west. The movement of a taxi from one zone to another will depend only on its current position. The following probabilities have been determined for taxi movements. Of all the taxis in the north zone, 30% देख लो यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा है पूरा chain. ठीक है, वो चीज ठीक है, but दे रखा है. So we'll quickly read and we'll check कि same है कि नहीं. Of all the taxis in the north zone, 30% will remain in the north. So, north to north is 30%. 30% will move to south and 40 will west. So, 30... 30 will move to south, likha hai kya? Oh, to ye wala fir 3 hoga. 30 will move to south and ye wala 4 hoga. To ye galat hai. Question paper mein galat de rakha hai. Ye 3 hoga aur ye ho bhi nahi sakta kyunki
हाँ एरोज गलत बोल सकते हो, एरोज गलत बोल सकते हो कि दे रखा है इन्होंने, ये 0.3 है, ये 0.4 है, तो एरो गलत दे रखा है. इन साउथ जोन टैक्सीज हैव 40% चांस ऑफ मूविंग टू नॉर्थ, तो इन साउथ जोन 40% साउथ में रहेंगे एंड 40% नॉर्थ में जाएंगे, तो साउथ से नॉर्थ हो गया आपका 40, तो ये आप लोग समझ लो वही है, उल्टा कर रखा है इन्होंने. एंड वेस्ट जाने का कितना दे रखा है, 20, तो वेस्ट ये भी गलत दे रखा है, साउथ से वेस्ट जाना भी उल्टा दे रखा है, ये 20 होगा. ठीक है, कोई नहीं. तो अब इसके ये भी एक चीज समझ में आया, आई वॉज अ वेरी लेजी पर्सन टू रीड द क्वेश्चन अर्लियर, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, पहले मुझे थ्योरी बहुत अजीब लगता था, तो मैं डायरेक्ट, अगर मैं होती तो मैं डायरेक्ट डायग्राम देख के आई मतलब भर जाती आगे, बट अब समझ में आ रहा है कि वो चीज, बट अगर तुम लोग एग्जाम में करोगी भी आई डोंट थिंक दे विल पीनलाइज यू फुल्ली, क्योंकि उनका भी गलती है इधर, बट सम वॉट दे माइट पीनलाइज यू बिकॉज वर्ड्स में तो करेक्ट ही लिखा है. हाँ वो भी चीज एक है कि अगर तुम लोग वो चीज पकड़ पाओ तो ऑब्वियसली वंस, अगर नहीं होता तो ये केस होता तो पूरा पिनलाइज नहीं करते वो आपको. ऑफ ऑल द ड्राइवर्स इन द वेस्ट जोन 50% नॉर्थ जाएंगे, इसमें भी गलती कर रखा है क्या? हाँ तो ये भी तो गलत हो ही गई, 50 नॉर्थ का वो चेंज हो गया एंड 32 साउथ एंड रिमेनिंग 20, तो 32 साउथ ये वाला भी इंटरचेंज है. सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मूवमेंट ऑफ द टैक्सीज विल बी मॉडल्ड यूजिंग आर मार्कोव चेन, क्रिएट अ वेक्टर विद द स्टेट स्पेस ऑफ द मार्कोव चेन यूजिंग आर कोड, यू शुड प्रिंट दिस टू द स्क्रीन एंड पेस्ट योर आंसर. तो सबसे पहला, सो वील राइट क्वेश्चन आंसर वन, आंसर वन लिख दो, ठीक है, एंड देन ये है आपका पहला पार्ट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कितने हमारे जोन्स हैं उसका स्टेट स्पेस इनको चाहिए, तो जोन्स, तो स्टेट स्पेस में क्या क्या आ गया, नॉर्थ, ये कर लो खुद से, आई थिंक ये तो बहुत डूएबल है, नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट. इन्होंने थर्ड स्टेट ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग किसको भी कैसे ले सकते हैं, मैं ऐसे जा रही हूँ, नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट. ओके जोन्स हो गए हमारे, एंड देन एक इधर एक पार्ट लिखा हुआ है दैट प्रिंट द आंसर टू द स्क्रीन, तो आपका ये प्रिंट नहीं हुआ आंसर, आंसर प्रिंट करने के लिए जोन्स आप रन करोगे तो आपका आंसर प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, प्रिंट लिखने से भी कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट टू में आ जाते हैं, दिस वॉज वेरी सिंपल, पार्ट टू बोल रहा है कंस्ट्रक्ट द ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऑफ द जोन मूवमेंट प्रोबेबिलिटीज, यू शुड प्रिंट अगेन द आंसर, तो इसको बना लो, चलो प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बना लो, कोई भी नाम दे दो, प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन मैट्रिक्स दे दो, जोन डॉट मैट्रिक्स दे दो, आई थिंक यूजिंग द वर्ड ट्रांजिशन विल बी बेटर, ट्रांजिशन मैट्रिक्स ऐसे यूज करना विल बी बेटर. हाँ नहीं खाली पी लिख सकते हो, ठीक है पी लिख सकते हैं, बट थोड़ा एक्सप्लेन एक्सप्लेन मतलब जो वेरिएबल है दैट नीड्स टू बी लिटिल एक्सप्लेनेटरी, यही है और क्या है, कितना ही टाइम लगता है टाइप करने में ट्रांजिशन मैट्रिक्स. हाँ जोन्स ट्रांजिशन या कुछ भी लिख लो, नहीं, वो तो समझ में नहीं आएगा, तुम जो लिखना है लिखो, जो लिखना है लिखो, ठीक है. मैट्रिक्स फंक्शन यूज करके बना लेते हैं, पहले पूरा डेटा फीड इन करो, तो मैंने जैसे सिखाया है रो वाइज जाओ एंड बाय रो ट्रू करो, इजी रहता है. सो नॉर्थ से नॉर्थ इज 0.3, नॉर्थ से साउथ, ठीक है ये हो गया आपका साउथ से नॉर्थ, साउथ से साउथ इज एंड साउथ से 0.2, ठीक है, तो ऐसे जाने से एंड अलग अलग रोज में लिखने से अगेन इजी रहेगा टू चेक द आंसर्स इफ यू हैव टाइम. 0.5 है, ठीक है, दिस दिस इज वेस्ट टू साउथ, पॉइंट सॉरी वेस्ट टू नॉर्थ, नहीं वेस्ट टू नॉर्थ ही हो गया, वेस्ट टू साउथ कितना,
पॉइंट थ्री एंड देन ठीक है, करो खुद से करो। डिम नेम्स भी दे देते हैं, स्टेट्स में डाल रखे हमने ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा लिस्ट की क्या? ठीक है, क्लियर। लिस्ट फंक्शन यूज करके इसको रन करेंगे एंड ऑल्सो दे आस्क्ड टू प्रिंट द आंसर। तो ये मैं इधर ऐसे रन करके एक बार चेक कर लो सही आ रहे कि नहीं। यू कैन ऑल्सो डू रो सम्स एंड चेक वेदर इट्स एडिंग अप टू 1, जस्ट फॉर अ चेक। मेरे को ऑल्ट टैब बेटर लगता है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू। तुमको देखो हर जन का अलग है, तुम किसी से बेटर नहीं पूछ सकते कि कौन सा तुम्हारे लिए बेटर है। आई लाइक ऐसा, मतलब मैंने ऑनलाइन में पेपर भी अभी तक नहीं, मैंने नहीं दिया। इन आई हैव ओनली अपियर्ड फॉर CP1, CP2, 3 एनीवेज ऑनलाइन होता है, एंड SPNSA, ये सारे मैंने दिए। मेरा CT सीरीज पूरा हो चुका था, तो आई इन SPSA आई प्रेफर दिस क्योंकि पूरा टाइपिंग ही है। एंड CP ऑल्सो, CP2 जहाँ पे आप मॉडल बनाते हो एक्सेल में पूरा, तो आपको क्वेश्चन पेपर का जरूरत होता है, मतलब आपको रीडिंग काफी ज्यादा चाहिए उसमें। तो उसमें भी मैंने ऐसे ऑल टैब यूज किया, नॉट स्प्लिट स्क्रीन, बिकॉज इफ आई स्प्लिट स्क्रीन तो ऑलरेडी इसके कंपार्टमेंट्स इतने छोटे हैं, वो और छोटा हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा, तो बहुत डिफिकल्ट होगा। इतना क्वेश्चन रीडिंग का जरूरत ही नहीं, एक बार रीड करो अच्छे से मार्क करते करते। बाकी इट्स योर विश, तुम प्रैक्टिस करके देख लो कौन सा तुमको कन्वीनियंट लग रहा है। अगेन नेक्स्ट इज लोड द पैकेज फॉर मार्कोव चेन्स एंड पेस्ट योर कोडिंग इनटू योर आंसर। तो कौन सा पैकेज बोला है? लोड करने बोला है, इंस्टॉल्ड और पैकेजेस मत रन कर देना प्लीज, पूरा टाइम 1 मिनट निकल जाएगा बिना मतलब का। मार्कोव चेन पैकेज बोला है, तो लोड करो कौन से फंक्शन से करो। लाइब्रेरी वेरी गुड। एक्चुअली उस समय ये जो था ये फर्स्ट पेपर था ना, तो इसीलिए थोड़े मार्किंग्स आपको ऐसे मिलेंगे, बट अदरवाइज अब आएगा तो ये 1 मार्क्स ज्यादा का नहीं आएगा। दिस वॉज द फर्स्ट टर्म, सो ऑब्वियसली इवन द मतलब IFOA वॉज ऑल्सो न्यू, स्टूडेंट्स न्यू है तो क्या हुआ, उनका भी तो क्वेश्चन सेटिंग न्यू है। सो लाइब्रेरी, अच्छा इधर एक चीज कर सकते हैं, सिंस इट्स अ 3 मार्क क्वेश्चन, सो यू कैन गिव दिस कोड एज वेल, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, बट इसको रन मत करना। इन इंस्टॉल डॉट पैकेजेस मार्को इसको रन नहीं करने के लिए वील पुट इट हैश में, एंड इधर भी लिख देंगे टू इंस्टॉल द पैकेज। लिखो यहाँ पे टू इंस्टॉल द पैकेज एंड देन लाइब्रेरी। गेट इनटू द हैबिट नाउ ऑफ हाउ यू विल प्रेजेंट योर आंसर्स। मार्कोव चेन ठीक है, इधर लिख दो टू लोड द पैकेज। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये वार्निंग है, ये एरर नहीं है, पेस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नहीं भी करना मत करो, कर भी सकते हो, इट्स योर विश। आई वुड हैव बीन पेस्ट, मतलब मैं इतना टाइम नहीं वेस्ट करती टू फिल्टर आउट। पूरा इसको लेंगे ऐसे यहां से पूरा ऊपर तक एंड पेस्ट करेंगे, जहां टाइम सेव हो करो, इसका कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं है, आपका खाली वर्जन मिसमैच की वजह से एरर है, मतलब वार्निंग है। डन, नेक्स्ट पार्ट खुद से करो। क्रिएट अ मार्कोव चेन ऑब्जेक्ट विद स्टेट स्पेस इक्वल टू द वेक्टर इन 1, ट्रांजिशन इन 2, एंड यू शुड प्रिंट द रिजल्ट। तो वो जो हम लोग बना रहे थे क्लास में, कौन सा फंक्शन यूज करके? न्यू फंक्शन बनाओ खुद से, ट्राई करो बन रहा है कि नहीं। ऑल ऑफ यू ऑनलाइन
यू ऑल हैव एनी डाउट्स प्लीज रेज योर हैंड एंड अनम्यूट एंड आस्क. ओके, बिकॉज योर चैट बॉक्स इज नॉट विजिबल टू मी. क्या बोल? तो क्या आ रहे अपना, किस में डाल रहे हो तुम लोग? एमसी में डाल रहे हो, ठीक है. न्यू, इसमें अपने लिख देंगे मार्कोव चेन, सही है. फिर अपने डिफाइन करते हैं स्टेट्स, जिसको याद नहीं है, खाली न्यू याद आया बट आगे का नहीं याद आया. हेल्प टैब में जाओ, न्यू सर्च करो, 1 सेकंड लगेगा, आपको सब मिल जाएगा उधर. स्टेट्स हो गए आपके, जोन, जोन्स लिखा था कि जोन, जोन्स था. ट्रांजिशन मैट्रिक्स आता नहीं, आई डोंट नो व्हाई. ये हो गया आपका, अच्छा ये हमने लिखा है क्या? ओके, जोन्स और मैट्रिक्स कुछ भी लिख सकते हैं. मेक इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड देन यू, इफ यू वॉन्ट टू गिव अ नेम, दे हैव दे मेंशन एनी नेम? नो, दे हैव नॉट गिवन एनी नेम, बट इफ यू वॉन्ट टू गिव अ नेम, यू कैन गिव अ नेम एज वेल. सिंस दे हैव नॉट मेंशन, वील अवॉइड, बट इफ यू वॉन्ट यू कैन गिव ड्राइवर मूवमेंट. रन दिस, कहाँ एरर आया? मार्को ट्रान, अच्छा यहाँ एक आई आ गया, सेशन सही है अभी. चलो अब एमसी रन कर दो, तो ये आपका आ गया. ठीक है, तो ड्राइवर मूवमेंट मैंने नेम दिया है. नेम अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगेन इफ यू सी द मार्क्स, 3 मार्क्स इधर है, तो उसके अकॉर्डिंग जस्टिफाइड है कि आप नेम दे दो उसका. एंड आपको देखो, कोडिंग में पता है बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है? यही सारे बेस्ट प्रैक्टिस बोलते हैं अपने, जहां आपने वेक्टर रीनेमिंग, ऑब्जेक्ट रीनेमिंग करना, लेबलिंग करना. अब जैसे यहाँ पे भी ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो हमने ऊपर में बनाया था, तो इट वॉज नॉट नेसेसरी टू हैव दीज स्टेट्स. दे हैव नॉट आस्क्ड यू टू लेबल द मैट्रिक्स, दे हैव जस्ट आस्क्ड यू टू क्रिएट अ ट्रांजिशन मैट्रिक्स, बट वी डिड इट ऑन पर्पस, है ना? ये हमने क्यों किया? जस्ट टू मेक इट इजी. तो आप लोगों को समझ में, आप लोगों को स्ट्रेट अवे सेकेंड वाला पार्ट दे, मेक अ ट्रांजिशन मैट्रिक्स. सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू क्रिएट स्टेट्स अलग से, बिकॉज यू कैन यूज दीज स्टेट्स डायरेक्टली यहाँ एंड यू कैन यूज इट डायरेक्टली यहाँ. आपको क्या करना होता, आप ऐसे बोलते कि मैम हम कॉपी पेस्टिंग कर सकते हैं, बट इट्स बेटर ऊपर जाओगे, कॉपी करोगे, इधर आओगे, पेस्ट करोगे. इट्स बेटर कि हमने जोन्स, एंड अगर मैं आप लोग को शॉर्टकट, ये शायद आप लोगों ने एक्सेल में भी आप करते ही होगे, जोन्स आप ये भी लिखते हो तो आपका पूरा आ जाता है. एंड क्लिक ऑन टैब, सो इट ऑटोमेटिकली फिल्स, यू डोंट हैव टू टाइप द एंटायर थिंग ऑलवेज, राइट? सो दीज स्मॉल थिंग्स विल हेल्प यू अलॉट इन एग्जाम. सो वी हैव अ ट्रांजिशन मेट्रिक्स देयर in place, we've created a Markov chain package. Clear any doubt so far? I don't think बहुत easy था यहाँ तक. Next एक बार खुद से, ये मैंने numbering change किया ना, हाँ, क्योंकि देखो exam में ये छोटे मोटे चीजें बहुत ज्यादा important है कि आप लोग question numbering ठीक से करो. Calculate the probability that a driver currently in the north zone. So अभी x0 आपका क्या है? 100 आपका x0 है, will be in the north zone after 2 trips and after 3 trips. Now tell me, will you create PN over here? Is it necessary to create PN? We can use direct. Have they mentioned not using the package? So it's open. जब आपको ऐसा कुछ नहीं बोलता, आप क्वेश्चन से ओपन हो जाते हो कि भाई आप कुछ भी करो, आपको आंसर लाना है एंड प्रॉपरली लाना है. तो यू डोंट हैव टू क्रिएट दैट फंक्शन जो हम लोग निकाल रहे थे PN वाला, जहां हम लोग 2 inputs ले रहे थे, एक आपका ट्रांजिशन मैट्रिक्स ले रहे थे और एक आपका नंबर ऑफ एन ले रहे थे, एंड देन वो आएगा, फिर उसमें आप इंडेक्सेशन करके एक्सट्रैक्ट करोगे. क्यों करना है? आप सीधा एमसी यूज करो, है ना? तो दिस इज पार्ट 5, करो खुद से पहले. 2 पार्ट्स हैं इसके, देखना, ध्यान रखना, पार्ट ए और बी अलग अलग है.
क्या हुआ बोल? पहला टू ट्रिप्स है क्या? तो हियर नंबर ऑफ ट्रिप्स मीन्स नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है? बस एक लाइन लिख दिया, एमसी टू दी पार्ट टू, ये आपका पहला आ गया। अब आपको क्योंकि आंसर इसमें दिखाना पड़ेगा, तो आप लिखोगे अगेन हैश में लिखोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग फ्रॉम कहां से कहां, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ है, नॉर्थ इन टू ट्रिप्स इज क्या आएगा, नॉर्थ टू नॉर्थ ये वाला आया। हाँ एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट वाले में, मतलब मेरे ख्याल से एक बार ये दिखाना विल बी बेटर। ब्रैकेट होगा आई गेस, मुझे लगता है कि ये दिखाना बेटर है, टू स्टेप फिर एक्सट्रैक्ट करना विल बी बेटर, क्योंकि एनी विच वेज तुम लोग को ये तो लाइन लिखना ही पड़ेगा। थर्ड पार्ट सेकेंड पार्ट में आई विल कॉपी पेस्ट दिस लाइन ऑब्वियसली, एंड आई विल चेंज टू ट्रिप्स टू थ्री ट्रिप्स। इनफैक्ट आई कैन डू वन थिंग, आई कैन कॉपी द एंटायर, है ना? कर लो ना, शॉर्टकट क्यों नहीं करना, बट वही है कि शॉर्टकट को ठीक से यूज करना चाहिए। ये भी हो गया, इसका आपको जरूरत है कि नहीं, आप रखो नहीं रखो इट्स ऑन यू। थ्री ट्रिप्स है इधर, खाली आपको थ्री करना है, एंड कहाँ से कहाँ बोला है, नॉर्थ टू नॉर्थ ही बोला है, तो अगेन इसको खाली आपको थ्री करना है, ठीक है? एंड ये आपका हो जाएगा अभी 0.385। ठीक है, ये जो आप ये चीज नहीं स्पेसिफाई करोगे ना, आइदर इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी और 38.5%, आपका दे विल डिडक्ट ये कितने मार्क्स के, फोर, तो टू टू मार्क्स है, दे विल डिडक्ट 1 मार्क फॉर फॉर दिस। हाँ इसके लिए खाली तुम लोग एक्सट्रैक्ट करके छोड़ दोगे तो नहीं समझ में आएगा, यू हैव टू स्टेट द आंसर ना, इधर तो पूरा आपको वो प्रोबेबिलिटी स्टेट करना है। ठीक है, पार्ट सिक्स करो खुद से तब तक। डिटरमाइन द स्टेशनरी स्टेट, अगेन पी एन यूज करते तो 30, 35, 40 कुछ हायर नंबर डाल के देखते कि वो सेम आ रहे हैं। उसको खाली ऐसे करने से नहीं होगा, यू हैव टू राइट इन द आंसर सिंस वी कैन सी दैट, हमने जो क्लास में डिस्कस किया था, सिंस वी कैन सी दैट ऑल द रोज गिव्स यू द सेम प्रोबेबिलिटी, सो वी कैन से द ट्रांजिशन मैट्रिक्स और प्रोबेबिलिटीज हैज कन्वर्ज्ड टू अ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, हेंस द लॉन्ग टर्म स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय दिस, वो पूरा मैट्रिक्स जो बन के आ रहे। सिमिलरली यहाँ पे यू विल टेक, यू विल यूज द फंक्शन स्टेडी स्टेट सिंस यू हैव डन दिस, सो स्टेडी स्टेट्स एमसी करके आपको आपका लॉन्ग टर्म स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ऑल्टरनेटिवली हम लोग क्या कर सकते थे, एमसी भी कर सकते थे टू दी पार 30, एंड देन देखो ये सेम आ रहा है, सो यू कैन से दिस ऑल्सो, बट अगर पैकेज यूज करना ही है तो स्टेडी स्टेट यूज करेंगे, ये वाला क्यों यूज करेंगे, ठीक है? मैम ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, इसमें कुछ लिखेंगे भी क्या? नहीं एक्चुअली मैंने बोला ना ये फर्स्ट टर्म था, तो फर्स्ट टर्म में मार्कोव चेन पैकेज 90% बच्चों ने पढ़ा ही नहीं था उस समय, बिकॉज मटेरियल में भी नहीं था मार्कोव चेन कहीं भी मेंशन्ड। पेपर ए में होगा तो होगा, बट पेपर बी में कहीं नहीं था, तो बच्चों ने पढ़ाई, स्टूडेंट्स डिड नॉट प्रैक्टिस ओनली 90% स्टूडेंट्स, समझ रहे हो? तो उनके लिए ये डिफिकल्ट था उस समय, दे हैड टू डू इट फ्रॉम स्क्रैच, बट वी आर नॉट ओके डूइंग इट बिकॉज इट्स नॉट मेंशन, वी कैन डू इट फ्रॉम स्क्रैच एज वेल। एक बार ट्राई करो पीएन खुद से बनाने का, लेट्स सी इफ इट, मतलब तुम लोग बना, 2 लाइन ही है खाली, पीएन ट्राई करो बनता है कि नहीं।
ठीक है, गिवन बाय दिस हो गया। इसमें अगर ये वाला मेथड यूज करोगे तो यहाँ पे कमेंट करना, सिंस यू कैन सी दैट ऑल द रोज गिव्स सिमिलर, नॉट यूजेबल, सेम सेम भी यूज कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज, हेंस वी कैन से दैट द ट्रांजिशन मैट्रिक्स हैज कन्वर्ज्ड टू अ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, हेंस दिस इज अ लॉन्ग टर्म स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आई थिंक आइडियली वी शुड ऑल्सो राइट द आंसर, मतलब सी में क्यू डालना है, ब्रैकेट में डालो कॉमा दे दे के, एंड यहाँ पे यू कैन मेक दिस आई गेस, इतना डेसिमल्स का जरूरत नहीं। ठीक है, राइट, एट, हो जाए तो नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल ओपन माय वर्ड, एक बार देख लो, फिर आई विल गिव यू ऑल 2 मिनट्स टाइम। आई विल ओपन माय वर्ड फाइल, ठीक है, जो भी आपको जादू मंत्र करना है, हे भगवान, ऊपर में ओम ओम ये सब मत लिख देना, ठीक है, मॉक आता है, और पेपर ऊपर में कोई कोई श्री ओम, अब तो चलो वर्ड हो गया, बट जब पहले हम लोग चेक करते थे मॉक्स, ऊपर में ओम लिख दिया है, ओम श्री लिख दिया है, मत लिख देना ये सब, ठीक है ना। कॉलेज में तुम लोग ये सब बदमाशी कर लो, ठीक है, मतलब मजाक, कोई कोई लोग बदमाशी से भी लिखते हैं, तुम समझ नहीं रहे, हैबिट इज समथिंग, बट अब देखो मैंने क्या किया, कोई देखा ही नहीं है, फिर मेरे को मैसेज करेगा मैम कॉपी पेस्टिंग, मैं कुछ, तुमने किया था, तुमने पूछा था मैम कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं आर टू वर्ड, मैंने इसको हटा दिया था पूरा क्योंकि एरर्स थे बीच में, कुछ वार्निंग्स वार्निंग्स तो फिर भी आएंगी। अब देखो मैं ऊपर से पूरा, इधर से आई विल टेक सिलेक्ट यहाँ तक एंड रन, पूरा रन हो गया, देख लियो एकदम, हैशटैग्स भी आ गए अपने, सारे कमेंट्स आ गए, सब आ गया, वेरी हैप्पी। चलो अब इसको अपने क्या करेंगे, पूरे, ए, 2 बार रन हो गया ना, हाँ 2 बार हो गया था मेरा रन दिखाने के लिए। अब ये पूरा अपने ऐसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, पहले तो पता है बहुत अच्छे से पेस्ट होता था, कंट्रोल वी करने से, ओ ब्लू आ रहा है, देखो तो तुम लोग के में ब्लू आ रहा है कि नहीं, नहीं नॉर्मल करके देखो, आई थिंक वापस चेंज हुआ होगा कुछ वर्जन, या मेरा वर्जन आई गेस पुराना है, एक बार देखो ना इसका ना फॉन्ट थोड़ा हल्का मैं रिड्यूस करूं, 11 कर देते हैं फॉन्ट, खाली 12 भी कर सकते हो, बहुत जन 12 रखते हैं। आ रहे हैं सबका, इन दिस पेपर इफ यू ऑल वॉन्ट यू कैन टर्न ऑफ द प्रूफिंग्स, फाइल में जाके मोर ऑप्शंस एंड प्रूफिंग में जाके वी कैन डू हाइड एंड हाइड ओनली फॉर दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है, एंड ओके, तो आपके वो सारे लाइंस हट गए, बहुत ही इरिटेटिंग से लगते हैं। आ रहे, इट शुड कम आई थिंक, डिपेंड्स ऑन द वर्जन यू ऑल हैव, खुद से एक बार रीड करो एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। आ रहा है, सोर्स फॉर्मेट में नहीं लिखते वो टेक्स्ट, दैट्स टेक्स्ट पेपर, तो नॉर्मल कौन कंट्रोल भी करने से भी नहीं आ पा रहा है, इसका डिफॉल्ट होता है ना कि सोर्स फॉर्मेट में, ओहो नहीं पहले नहीं आता था बीच में, आई गेस आई डोंट थिंक आता था कुछ ऐसे, नहीं पहले तो आता था बीच में, मेरा तो डिफॉल्ट वही है टेक्स्ट, जैसे मेरा जो पेस्ट हुआ वो ये, अच्छा, ओ हाँ फिर पेस्ट स्पेशल वो तो मेरे को पता है, पर सोर्स फॉर्मेटिंग में पहले भी नहीं, बीच में कुछ स्टूडेंट्स का नहीं आता था, मैंने नहीं ट्राई किया कुछ से कभी कभी हाल में कर लिया, ठीक है,
Wait, comes to the third day, not a good नेगेटिव बोलना चाहता है क्या सोर्स फॉर्मेटिंग ये जो बोल रहे एक सेकेंड शांति ठीक है इट्स ओके आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न कंट्रोल ए इधर देखो पेस्ट में जाओ इस पे क्लिक करो एकदम बेसिक बच्चा लुके से ये है कीप क्या लिखा है अरे उसको बोल रहे हैं कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ये है मर्ज फॉर्मेटिंग ये है कीप टेक्स्ट ओनली तो तुम ये वाला पे क्लिक करो और फिर देखो नहीं है हो सकता है नहीं हो पे स्पेशल पे क्लिक करो ये क्या किया तुम अच्छा यार फिर ये ब्लैक अगर पीछे वाला स्क्रीन है तो वो चेंज करना पड़ेगा ऑब्वियसली चेंज कर लो ना एग्जाम के लिए नहीं ये ब्लैक मत प्लीज ऑल ऑफ यू ऑल द स्टूडेंट्स इट्स अ रिक्वेस्ट जिन लोग का क्योंकि उसका स्क्रीन ब्लैक था पीछे आर में हाँ सोर्स फॉर्मेटिंग से आ जाएगा ब्लैक तुम्हारा ब्लैक है स्क्रीन पीछे का नहीं आता है वो तो जिसका भी स्क्रीन पीछे ब्लैक है जिन्होंने भी अपना पूरा गेमर्स लैपटॉप बना रखा है एकदम कोडिंग जो तुम लोग हार्डकोर कोडिंग जो करते हो क्योंकि तुम लोग के आईज पे स्ट्रेन पड़ता है ना बहुत ज्यादा तुम लोग दिन भर आर प्रोग्रामिंग पढ़ते हो तो प्लीज चेंज इट मेरे को तो वो ब्लैक अच्छा ही नहीं लगता है और आई नो मैं तुम लोग से ज्यादा ही आर यूज करती हूँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ क्वेश्चन नंबर टू We'll move to new spreadsheet. Do you remember? Yes. Okay. Quickly, an exponential distribution. Any doubt? Because ये बहुत easy था तो मेरे classes आप लोगों ने attend किया आप लोग सब मेरे smart बच्चे हो तो ठीक है teacher smart, student smart. An exponential distribution has a parameter of lambda equals I. फिर क्या बात कर रहे हैं अभी रुक जा बाद में पूछना Lambda is 0.4. Use inbuilt functions in R. तो इनबिल्ट फंक्शंस कौन सा हो गया वो आर ई एक्स पी क्यू ई एक्स पी ये सारा सिमुलेट 1000 वैल्यूज फ्रॉम दिस डिस्ट्रीब्यूशन असाइनिंग दिस टू अ वेरिएबल कॉल्ड ई एक्स पी अंडरस्कोर वेक्टर एंड कैलकुलेट द मीन एंड वेरियंस ऑफ द सिमुलेटेड वैल्यूज बेस्ड द रिजल्ट ऑफ योर कैलकुलेशन इन टू योर आंसर 1000 वैल्यू सिमुलेट करना है फ्रॉम एक्सपोनेंशियल 0.4 एंड उसको डालना है exp वेक्टर में एंड फिर उसका मीन एंड वेरिएंस निकालना है और कुछ नहीं करना है करो चलो बहुत सिंपल इससे ज्यादा सिंपल आई डोंट थिंक जीवन में कुछ आ सकता है मतलब हाँ आंसर टू इतना कमेंट्स मत पास करो क्लास में प्लीज exp underscore अच्छा इन्होंने अपना वो नहीं दे रखा सीड नहीं लिया तो आप फॉर योर कन्वीनियंस ले सकते हो दिस इज पार्ट वन लिखा है ना कि वन ए फॉर योर कन्वीनियंस वी कैन टेक अ सीड वैल्यू
एंड यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, मतलब हैश में लिख देना टेकिंग, क्योंकि लिखा नहीं है ना, यू नीड टू डिस्क्राइब इट, टेकिंग सीड वैल्यू ऑफ, ठीक है, क्या था आर एक्सपी 1000 कॉमा 0.4। ऑल राइट, तो ये हो गया आपका एक्सपी वेक्टर, आ गया इधर देख लो, देन इसका मीन निकालना है एंड इसका वेरिएंस बोला है क्या वी आर, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, मीन टू बी क्लोज टू 1/0.4 है, हाँ 1/0.4 मतलब 2.5, सो इट्स समवेयर नियर टू इट बिकॉज वी हैव टेकन 1000 सिमुलेशंस, एंड इफ यू हैव नॉट टेकन द सीड वैल्यू योर आंसर्स माइट डिफर देन मी, एंड इफ योर सीड वैल्यू इज डिफरेंट अगेन योर आंसर्स विल डिफर, वेरिएंस विल मतलब ये लोगे तो ही सेम आंसर आएगा वरना नहीं आएगा, वेरिएंस व्हाट डू वी एक्सपेक्ट 1/λ² व्हिच इज 1/2.5 का स्क्वायर बेसिकली, हाँ 6.25 के आसपास वही आ रहे, ठीक है, इन्होंने और कुछ बोला नहीं है कमेंट करने या कुछ भी करने, बट अगेन सिंस ये क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे एक चीज और मतलब कर सकते थे कि आप इसका हेड दिखा सकते हो, बहुत लोग होते हैं पूरा एक्सपी वेक्टर रन कर देते हैं, 1000 वैल्यूज अननेसेसरीली बर्डन हो जाते हैं, अनलेस एंड अंटिल दे हैव आस्क्ड यू टू प्रिंट द एंटायर वेक्टर, प्लीज डोंट डू इट एंड टेक अ हेड ऑफ एक्सपी, ठीक है, एंड देन यू रन द मीन एंड देन यू रन द वेरियंस एंड देन यू द मीन एंड वेरियंस ऑफ सिमुलेशंस, अभी से हैबिट कर लो ये आर, क्योंकि एग्जाम में बनना बहुत आलस आएगा करने में, तुम कंसिडर ही मत करो ना कि टाइम लग रहा है, तुम ये सोचो ये तो करना ही है, इसीलिए मैंने बोला अभी से करोगे तो एक वो रहेगा कि हाँ करना ही है, एग्जाम में फिर ना लगेगा कि नहीं करते हैं छोड़ देते हैं, चलो इट्स ऑल अबाउट हैबिट, मतलब मेरे साथ भी सेम हुआ है तो इसीलिए मैं बता रही हूँ आप लोग को, एंड आई एम वेरी लेजी, नेक्स्ट करते हैं, प्लॉट अ हिस्टोग्राम ऑफ एक्सपी अंडरस्कोर वेक्टर शोइंग द फ्रीक्वेंसीज एंड पेस्ट द प्लॉट इनटू योर आंसर, ये बहुत एक अलग चीज है जो स्टूडेंट्स यूजुअली दे फॉरगेट, नॉट यूजुअली आई विल से, बट शुरू शुरू में ज्यादा होता था, अभी थोड़ा आई हैव सीन स्टूडेंट्स करने लगे हैं पेस्ट, बट मतलब आप सोचो कि इफ पीपल आर अपियरिंग, दो तीन स्टूडेंट्स कॉल करके डेफिनेटली बोलेंगे कि मैंने प्लॉट आई डिड नॉट पेस्ट, आई फॉरगॉट टू पेस्ट द प्लॉट, तो ये जब भी प्लॉट वाला आए प्लीज ऐसे मार्क कर लिया करो, वाई, बिकॉज आपको एक आइडिया याद रहता है कि प्लॉट करना था पेस्ट, ठीक है, करो चलो इसको करो, खुद से बनाओ हिस्टोग्राम, मैम प्लॉट पेस्ट कैसे करते हैं, सिखाऊंगी सब अभी, ये मैंने क्लास लिए क्यों है फिर, कौन सा फंक्शन, वेरी गुड हेस्ट, बस एक बार उसको रन करके देखते हैं फिर देखते हैं कैसे क्या चेंजेस करना होगा, हाँ आया, खाली आई थिंक एक्सलैब चेंज कर सकते हैं, या एक्सलैब से बेटर है मेन दे दो ना, एक्सलैब एक ठीक ही लग रहा है, हिस्टोग्राम ऑफ नहीं, हिस्टोग्राम ऑफ सिमुलेशंस फ्रॉम एक्सपी 0.4 ये नहीं होना चाहिए था, हाँ वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, वॉल्यूम बढ़ा सकते हो क्यों नहीं, 6550 तक ले जाओ, क्योंकि इसके ऊपर अभी तक आई डोंट थिंक कुछ बोला है इन्होंने,
बनाने बोलेंगे भी तो जीरो से 500 ले जाओ, 550, आई थिंक 550 विल बी, अच्छा 600 देना पड़ेगा तब जाके वो आएगा, क्योंकि वो 100 का गैप ले रखा है ना इसने, कर लो। चलो आप टेक्स स्लैब भी चेंज कर लो साथ ही साथ, करना ही है तो जब इतना कर ही रहे, एक्स स्लैब कलर भी चेंज कर ही दो करना है तो। आई एम कीपिंग इट सेम, अगेन आई विल जस्ट सिमुलेशंस फ्रॉम दिस, बट आई फील एक्स स्लैब इज फाइन, इसीलिए मैंने बोला आई फील एक्स स्लैब इज फाइन, सो नॉट रीनेमिंग इट। नेक्स्ट ये हो गया, तो ये कोड पेस्ट करेंगे उसके नहीं, पहले तो ये कोड पेस्ट होगा और उसके, अब कंसोल से करते हो तो सब आ जाते हैं बट ये नहीं आता ना, तो ये हम लोग को माइंडफुल होके पेस्ट करना है, वो हम लोग देखेंगे अभी। प्लॉट द प्रोबेबिलिटी फंक्शन PDF फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन एज अ स्कैटर प्लॉट और लाइन ग्राफ। इसी का PDF करना है, किसका, यही सिमुलेशंस का ही करना है और कुछ नहीं, यही सिमुलेशंस का करना है एंड इसका स्कैटर प्लॉट करना है और फिर एक लाइन ग्राफ करना है, पेस्ट योर आंसर्स। चलो करो, टाइप एस का क्या मतलब होता है, रात में पढ़ रहा था क्या, स्कैटर प्लॉट बोलो, PDF प्लॉट करना है तो स्ट्रेट अवे प्लॉट, प्लॉट हाँ डेंसिटी 1 से P, ओ डेंसिटी नहीं बट एक्स एक्सिस क्या देंगे, एक्स वैल्यूज क्या दोगे मैम, डायरेक्टली भी आ जाता है PDF बनाना है आपको, तो वाई एक्सिस पे आपको क्या लिखना है, एक सेकेंड रुकना, इन्होंने सोल्यूशन तो गलत ही कर रखा है, ये IFA का सोल्यूशन आई फील गलत है बिकॉज इन्होंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, नॉट फॉर द सिमुलेशंस, करेक्ट, नॉट फॉर द EXP वेक्टर, करेक्ट फॉर द, तो एक काम करो आपको एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट मिल जाएंगे अगर हम रेंज ले लें ऑफ EXP अंडरस्कोर मतलब एक्सपोनेंशियल 0.4 का आपको ग्राफ बनाना है, नॉट ऑफ द सिमुलेशन, समझे हो, एंड सुपर इम्पोज सब कुछ भी नहीं बोला, अलग से प्लॉट करने को ही बोला है, सो तो रेंज है 0 से स्टार्ट करेंगे अपने एंड 15 पॉइंट समथिंग है तो 16 तक चले जाते हैं, तो एक्स वैल्स ले लो, एक्स वैल्स ये रेंज को आप लोग रख सकते हो, नॉट एन इश्यू, एक्स वैल्स ले लेंगे अपने सीक्वेंस 0 से 16 बाय कर दो क्या 0.1 या 0.01 भी कर सकते हो, योर विश। प्लॉट में क्या करेंगे, एक्स वैल्स एंड वाई एक्सिस पे कौन सा फंक्शन, DXP, वेरी गुड, DXP ऑफ एक्स वैल्स, एक्स वैल्स और ये हो गया आपका लैम्डा 0.4, लोअर टेल फॉल्स ऐसा कुछ नहीं है, DXP है तो विच इज द PDF, एंड टाइप में लिख देंगे अपने P विच इज पॉइंट, ठीक है आता है बट चलो देख लो, नहीं भी लिखेंगे तो भी आ ही जाए, ठीक है, वी कुड हैव मेड इट मोर, मतलब ये जो गैप इसीलिए आ रहा है बिकॉज 0.1 करा है, अगर आप 0.01 भी कर दोगे तो आई गेस थोड़ा बेटर रिजल्ट आपको मिले, और तो क्या, वॉट दे हैव डन इज इन द सोल्यूशन, वट दे हैव डन इज दे हैव टेकन EXP वेक्टर है ना, उसमें इसमें 1000 वैल्यूज है तो जितने भी 1000 वैल्यूज है उसका DXP प्लॉट करा है इन्होंने,
समझा, मतलब इसको एक्स वैल्यू है विच इज टेक्निकली नॉट करेक्ट बिकॉज इन्होंने हमें बोला है प्लॉट द डिस्ट्रीब्यूशन, तो टेक्निकली वी दे वॉन्ट अस टू डू दिस, बट उन्होंने किया ऐसा है. हाँ नोट में लिखा है, वही बोल रही हूँ, बट सोल्यूशन होना नहीं चाहिए वैसा कि आप इसको एक्स वैल्स ले रहे हो. अब एक और प्रॉब्लम होगा, अगर आप इसको एक्स वैल लोगे तो इसमें तो रैंडम नंबर्स हैं, तो कहीं जीरो है, कहीं सिक्स है, कहीं फिर वापस पॉइंट वन है, तो ऊपर नीचे है. तो उसको सॉर्ट किया इन्होंने पहले सॉर्ट फंक्शन यूज करके. तो इसको सॉर्ट करने से जीरो से 15 तक पूरा सॉर्ट हो गया, एंड फिर उसका डीएक्सपी, क्योंकि अगर आप क्या करोगे इधर ईएक्सपी वेक्टर डालोगे और फिर उसका डीएक्सपी लोगे तो आपका कैसे प्लॉट होगा, पहले जीरो का फिर कुछ और नंबर आ गया, तो वो तो बहुत हैफिजट हो जाएगा ना. तो वो हटाने के लिए इन्होंने ऐसे करा है. सो बट टेक्निकली ये हम सीखे और ये करेक्ट है क्योंकि आपको टेक्निकली बोला है एक्सपोनेंशियल 0.4 का प्लॉट बनाने, दैट्स इट. ठीक है ना. ओके नेक्स्ट इन्होंने बोला है, ये हो गया आपका, मैंने नंबरिंग में नहीं चेंज करा, सी एंड वन था ये. ठीक है नंबरिंग में वन था, वन एंड टू, तो मेक श्योर नंबरिंग आप करेक्ट दो. एंड ये टू है, टू क्या है आपका लाइन चार्ट प्लॉट ग्राफ कुछ भी. तो अब कैसे वापस से वी कैन यूज द प्लॉट फंक्शन ओनली. ठीक है ना, टाइप इक्वल्स ओके. If you want, you can keep LWD 2 if you want, not line ka width, you can increase. Again, I forgot to give the title and the x-axis and the y-axis. Please give it. Title mein kya likhoge? Usme likhoge scatter plot of exponential 0.4 and yahaan pe aap likhoge probability or density khali aur yahaan aap log likhoge x values. Simple. यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देना पूरा मेन एक्स लैब वाई लैब, एंड पेस्ट करने के बाद खाली मेन में आप स्कैटर प्लॉट के बदले लाइन चार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल कर देना, बाकी आपका सेम रहेगा. ठीक है करो इसको, करो करो. टाइटल सब दिया, दो टाइटल ये सब एग्जाम में देना, अभी नहीं देगा एग्जाम में भूल जाएगा. बट वो तो तुम फिर जब exp वेक्टर यूज कर रहे तब ना, उसमें हाँ उसमें करते, उसमें हम लोग वही करते हैं, उसमें हम लोग वही करते हैं पॉइंट, अरे 0.4 डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट आ जाओ. अच्छा यूज द लॉग नॉर्मल, अ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज पैरामीटर्स म्यू जीरो सिग्मा स्क्वायर वन. सिमुलेट अगेन वही सेम चीज है, 1000 वैल्यूज लॉग नॉर्म वेक्टर में डालना है, मीन एंड वेरिएंस निकालने, करो खुद से. नाइनटीन ही ले रहे तुमको जैसे लगे. लॉन्ग नॉर्म है तो कौन सा होगा,
वेरी गुड, आर एल नॉर्म होगा, और ये क्या हो गया अपना एल नॉर्म वेक्टर बोला इन्होंने, और ये वाला आपका मीन एंड सैंड. अगेन यू कैन राइट इफ यू ऑल रिमेम्बर आर एल नॉर्म में थोड़ा डिफरेंसेस आता था. आर एल नॉर्म, हाँ आर एल नॉर्म में मीन लॉग एंड मीन, तो आप लोग ये लिख सकते हो पूरा मीन लॉग इक्वल्स कितना है जीरो, एंड एस डी लॉग स्टैंडर्ड नॉर्मली है बेसिक स्टैंडर्ड, मतलब लॉग नॉर्मल अगर हम लोग बोले, बट ये आपका लॉग नॉर्म का मीन जीरो है. सो यू कैनॉट, मीन क्या होता है लॉग नॉर्मल का, ई टू द पावर म्यू प्लस सिग्मा, हाफ सिग्मा स्क्वायर, रिमेम्बर, और म्यू इज नॉट द मीन, दिस इज नॉट द मीन, रिमेम्बर लॉग नॉर्मल का मीन इज ई टू द पावर म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर, तो जीरो मीन नहीं हुआ लॉग नॉर्मल का, ई टू द पावर हाफ हो गया इस केस में. चलो ये हो गया मेरा सीड वैल्यू, मैंने रन कर दिया था, फिर से कर देती हूँ. क्या बोल रहे हैं मीन लॉग में, मतलब म्यू एंड सिग्मा, हाँ म्यू और सिग्मा स्क्वायर. तो जब इसका मीन निकालोगे ये मत एक्सपेक्ट करना कि जीरो आए, है ना, मतलब तुम लोग डर जाओगे आंसर देखने के बाद एक बार, तो पर वो याद कर लेना कि इट्स आइडियली है. चलो हम लोग कर ही लेते हैं, एक्सपोनेंशियल हाफ बोला ना, म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर वन है, म्यू जीरो है, तो देख लो 1.648 1.656 वेरी क्लोज, ठीक है ना. तो यहां खाली चेंज कर देते अपने, हाँ हेड कर लो, मैंने कर दिया आई गेस. ठीक है, प्लॉट अ हिस्टोग्राम ऑफ एल नॉर्म वेक्टर शोइंग द फ्रीक्वेंसीज, अगेन सेम थिंग. हिस्ट ऑफ, अरे अगेन प्लीज चेंज द टाइटल, मेन लिख दो सिमुलेशंस फ्रॉम लॉग नॉर्मल लॉग एन कैपिटल एन ब्रैकेट्स में 0.1 एंड एक्स एक्सिस पे सिमुलेशंस लिख दो, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी. आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड टू चेंज, इफ यू वांट यू कैन चेंज एंड इंक्रीज द वॉल्यूम टू, इधर आप लोग को 800 लिखना पड़ेगा क्योंकि 200 का गैप में दे हैव टेकन. प्लॉट अ सेकेंड हिस्टोग्राम इन अ न्यू ग्राफ ऑफ एल नॉर्म वेक्टर शोइंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोल दिया है अब, सेटिंग योर वाई एक्सिस रेंज फ्रॉम 0 to 0.7 for this graph and paste your answer. So same thing, choose that now with prop true ya fir frequency false. Any which way you can do na, frequency false kar sakte ho, peer probability equals true kar sakte ho. And vilem kyunki bol diya hai, so directly ek bar likh ke dekhte hain, fir dekhenge. Par bol hi diya hai, to aap apne man se kuch nahi dal sakte. Jo bola hai, wahi aapko lena hoga. Dekh lo. I don't know why they have asked 0.7, but ठीक है, मे बी जस्ट टू चेक कि आपको वायलम आता है कि नहीं. अगेन यू कैन चेंज द टाइटल एंड द एक्स एक्सिस. हाँ कुछ तो रीजन होगा, जो भी पार्ट डी है ना फिर.
Add a cumulative distribution function of L norm vector to the chart and paste. तो बेसिकली अब इसी के ऊपर एड करने बोला है सीडीएफ का चार्ट, ठीक है? तो ऑब्वियसली हिस्टोग्राम के ऊपर बार चार्ट तो नहीं बनाएंगे, हिस्टोग्राम तो नहीं, तो लाइन चार्ट ही बनाना है। कैसे बनेगा बोलो? लाइंस फंक्शन यूज करेंगे पहले तो, और क्या बोल रहे? लाइंस बनाएंगे। हाँ, इसी का सीडीएफ बोला है क्वेश्चन में, और इसी का बनाएंगे ना सीडीएफ ऑफ एल नॉर्म। अब अगेन एक दिक्कत होगा, इसको सॉर्ट करना पड़ेगा आई गेस। ठीक है, तो नहीं करते, अगर देखते हैं आना आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, वील एडजस्ट करो। करो करो, तुम लोग करो। पीएल नॉर्म हाँ, यही एक्स वैल्यूज लेके करना है, एक बार बना के देखते हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है क्वेश्चन में इश्यू है, बिकॉज आइडियली फिर उन्होंने इनको लिखना चाहिए था एड अ सीडीएफ ऑफ एक्स लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टेड ऑफ दिस, इन्होंने इसका बोला है, तो इसी का पीएल नॉर्म करना पड़ेगा ना। तो एल एन नॉर्म वेक्टर कॉमा 0, 1 ये आपका हो गया एक्स वैल्यूज, एंड बस इसको रन करो। ऐसे ही आएगा, सॉर्ट नहीं करे बिना ऐसे ही आएगा। करते हैं, लेट्स सी, बट आई थिंक ये क्वेश्चन सही नहीं है। बिकॉज उन लोग कुछ और किया, देखो ना, उन लोग ग्रिड लिया, उन लोग वैल्यूज फ्रॉम 0 to 25 लिए, जो आइडियली हम लोग को करना चाहिए। एक काम करो, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, मुझे लगता है ना कि इन्होंने कुछ तो लिखा होगा एग्जामिनर्स रिपोर्ट में। This question is wrong because but इन्होंने if you see इन्होंने let's do one thing, CDF बोला कि PDF बोला है? नहीं, एक्चुअली अगर सीडीएफ बोला है तो दिक्कत है, अगर पीडीएफ बोलते तो डायरेक्टली डेंसिटी फंक्शन यूज कर सकते थे, डेंसिटी ऑफ लॉग नॉर्म जो हम लोग यूज करते है ना। तो एक काम करो, इस केस में लेट्स इंक्रीज द वाई लिम टू 1 इटसेल्फ। है बट क्योंकि वो पूरा पता नहीं चलेगा ना, 1 तक तो जाते हैं सीडीएफ आपका, तो ये करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं हम लोग के पास। मतलब इफ यू फॉलो द क्वेश्चन आपको यही करना है, बट अगर हम लोग जो अप्रोच क्लास में करते थे कि सीडीएफ ऑफ द मेन डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो हम लोग एक्स का वैल्यू अगेन 0 to 20, 25 कुछ भी ले लो, बाय 0.1 कर दो एंड उसका आप पीएल नॉर्म कर दो। सेकेंड थिंग जो कर सकते हैं, जो क्वेश्चन में बोला, अगर बोलता कि प्लॉट द पीडीएफ, क्योंकि ये तो आपका डेंसिटी है ना, तो आइडियली डेंसिटी पीडीएफ है एल नॉर्म का, तो आइडियली उसके साथ वो सीडीएफ क्यों बोलेंगे प्लॉट करने। सो वो आइडियली होना चाहिए था प्लॉट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इंस्टेड ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यू।
कौन है? इंस्टेड ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप बोल सकते हो प्लॉट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एज इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो हम लोग सीधा क्या करते हैं, लाइन्स, डेंसिटी, एल नॉर्म एंड आपका आउटपुट आ जाता. तो भी वो पूरा पैटर्न ऐसे दिखता. बट CDF तो 0 से 1 ही जाएगा. तो उसको दिखाने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस ओनली वी हैव टू डू. एंड नेक्स्ट इन्होंने बोला है फिर कि एड अ थियोरेटिकल लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू द चार्ट टू हाईलाइट द डिफरेंस इन द सैंपल इंक्लूडिंग. अगेन ये जो पूरा क्वेश्चन फॉलो करे दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी डू ऑल्सो इन CS1. तो यहाँ आइडियली दिस शुड हैव बीन आपका, बोलो क्या, PDF. क्योंकि नेक्स्ट लाइन में PDF ही प्लॉट करने बोल रहे. देखो एक्चुअल PDF तो बहुत ही ठीक है, कोई बात नहीं. फर्स्ट टाइम के लिए मे बी कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा. सो यहाँ हम डेंसिटी एल नॉर्म वेक्टर कर देते. सो देखो दिख रहा है ये लाइन दिख रहा है. तो ये आपका PDF आ रहा है, ये होना चाहिए था. और इसके ऊपर आप PDF प्लॉट करते किसका, तो आप x का रैंडम वैल्यूज ले लो सीक्वेंस फ्रॉम 0 से 25 बाय 0.01 ले लो. एंड देन यू कैन यूज लाइंस अगेन x कॉमा dl नॉर्म. नहीं, अब देखो इन्होंने बोला है थियोरेटिकल लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो आई डोंट नो व्हाट दे मीन. अगर हम लोग CDF करें तो वी शुड आइडियली डू CDF PL नॉर्म. आइडियली वही होना चाहिए ना. फिर वो तो तुम वो कैसे चेंज, ये तुम लोग को मैंने दिखाया डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है CDF. डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज ऑलवेज वो होता है डेंसिटी फंक्शन. वही तो गलत है ना क्वेश्चन. क्वेश्चन गलत है. हाँ क्वेश्चन, हाँ कलर चेंज करना पड़ेगा. कलर इसका कलर रेड नहीं दे सकते ना, इसका कलर रेड देना होगा इस वाले का. हाँ मैं ऊपर वाले ही करी हूँ खाली, बहुत सारा चीज रन हो गया. ठीक है, लेजेंड भी, हाँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है क्योंकि 1000 वैल्यूज निकाल रहे हैं. लेजेंड ऐड कर दो. अरे तुम लोग थोड़ा जूम करोगे तो आई गेस हल्का डिफरेंस थोड़ा बहुत दिख रहा है रेड अलग से. बट मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन में हम लोग को तीनों में PDF बनाना था. बट जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग यही सही है. लेजेंड कर देते हैं बॉटम राइट वाले साइड में, खाली राइट भी कर सकते हैं. टेक्स्ट हो जाएगा आपका, एक ब्लैक वाला था आपका, सॉरी रेड वाला, ब्लैक वाला हमने किया है थ्योरेटिकल. ठीक है, तो ब्लैक वाले के लिए क्या लिखेंगे? हाँ वही ट्रू CDF या ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन एंड एस्टिमेट मेटेड CDF या सिमुलेटेड CDF व्हाटएवर. एंड देन यू गिव द कलर्स एज यूजली ये होता है ना, इसीलिए मैंने कलर्स ऐसे, ये ब्लैक हो गया एंड ये हो गया रेड. अच्छा वो भी तो देना होगा ना, LWD1 लिख लो तो आ जाएगा. खाली राइट करने से बेटर आएगा क्या? हाँ इसीलिए तो, ये ग्राफ ही वियर्ड है. बट देर इज नो अदर ऑप्शन क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं है. ये लाइन्स के कलर्स क्यों नहीं चेंज हो रहे? अच्छा हम कलर्स नहीं लिखे क्या? ओके कलर इक्वल्स.
ठीक है, इसको करूं। डन। मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था डेंसिटी, ये होता आपका सिमुलेटेड, और यहां आपका डीएल नॉर्म होना चाहिए था, तब आप वो हिस्टोग्राम एक्चुअल का लाइन चार्ट एंड सिमुलेटेड का लाइन एक्चुअल में वही होता है, बट क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है यू कैन नॉट से ना क्वेश्चन इज रॉन्ग, वॉट एवर क्वेश्चन इज गिवन यू हैव टू डू दैट, करेक्ट? ठीक है, तो अभी यही करते हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक, हाफ एन आवर लंच ब्रेक, 1:30 हो रहा है, 1:30 से 2 का ब्रेक लेते हैं, एंड देन इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो एंड क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश करेंगे, एंड इसको पेस्ट करना भी सीखेंगे, ओके? तो इसको हटाना मत, इसको यहां से हटा सकते हो, बट चलो पार्ट 3 भी बचा हुआ था, इसको हम लोग पूरा एक एक करके, एंड रिमेम्बर कितने ग्राफ्स है जिस क्वेश्चन में आपको लगे ना कि बहुत सारे ग्राफ्स आ रहे हैं, तो आप क्या करो, आप पार्ट वाइज प्लॉट मतलब बनाना स्टार्ट करो, जैसे क्वेश्चन 1 पार्ट 1 जो था पूरा एबीसीडी उसको साथ में पेस्ट कर दो विद ग्राफ क्वेश्चन 2, क्योंकि होगा ही स्किप, एग्जाम प्रेशर में स्किप होगा ही फॉर श्योर, एंड ग्राफ को कैसे पेस्ट करना है शो यू, इसको दो तरीके से करते हो, या तो आप इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करो एंड कॉपी टू क्लिपबोर्ड करो, तो ये आ गया, एंड क्लिक ऑन कॉपी प्लॉट, कॉपी प्लॉट करो, इधर जाओ एंड इधर आप पेस्ट करो, नहीं 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 ठीक है, एज अ एक मिनट, इसमें कंट्रोल ऑल्ट वी करके पिक्चर दिख रहा है, एज अ पिक्चर यू पेस्ट, ठीक है, एक ये मेथड होता है, दूसरा मेथड जो है वो मेरे को नहीं पसंद ऑनेस्टली, एक है इसका सेव एज इमेज करो, वो आपके उधर जाके डाउनलोड्स में सेव होगा, एंड फिर आप उसको, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, तो ये या फिर एक बहुत लोग क्या करते हैं, जूम करो, मतलब इसका जूम यहाँ किया, इधर कंट्रोल मतलब राइट क्लिक एंड कॉपी इमेज, ये भी दूसरा मेथड है करने का, ठीक है, नहीं आया क्या, आ गया, समझ लो दो अलग तरीके, बट वो जूम्ड था ना इसीलिए इतना बड़ा आ गया, मेरे को फर्स्ट मेथड हमेशा बेटर लगता है कि आप इसको सीधा, क्योंकि वो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ ओपन नहीं होगा, अपने आप आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करने, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना है, ये आ गया आपका, इधर आपको आप सेटिस्फाइड हो विद द प्लॉट, क्लिक ऑन कॉपी प्लॉट, अपने आप कैंसिल बंद हो गया वो विंडो एंड जाके उधर पेस्ट एज इमेज, डन, एक बार यहां तक पेस्ट करो, आफ्टर द ब्रेक वील स्टार्ट, we'll paste it and we'll start with part 3, question 3, part 3 and question 3.